हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट टू ऑफ चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इंडेक्स एंड वेरिएशन। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था कि मेंडल ने पी प्लांट क्यों लिया, उसके पीछे क्या रीजन थे, और उन्होंने पी प्लांट के उसके डिफरेंट पार्ट के बारे में कौन कौन सा डोमिनेंट ट्रैट है, कौन कौन सा रिसेसिव ट्रैट है, उसके बारे में स्टडी किया था। हम बात करेंगे आज सम इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। पहला पॉइंट है डोमिनेंस कैरेक्टर, दूसरा रिसेसिव कैरेक्टर, तीसरा होमोजाइगस, चौथा हेट्रोजाइगस, पांचवा फिनोटाइप, छठा जीनोटाइप, सातवा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, आठवां डाइहाइब्रिड। ये मेंडल के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है बेटा। डोमिनेंस कैरेक्टर के बारे में जानना जरूरी है, रिसेसिव कैरेक्टर्स, होमोजाइगस, हेटरोजाइगस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जानना जरूरी है। व्हाट इज डोमिनेंस कैरेक्टर? दोज कैरेक्टर्स व्हिच आर अपीयर इन अ फोन जनरेशन नोन एज द डोमिनेंस कैरेक्टर। व्हाट इज रिसेसिव कैरेक्टर्स? Those characters which are not appear in F1 generation, this is called the recessive characters. What is homozygous? If the gametes are same, if the gametes are same, for example, pure tall plant. If the example is pure tall plant, then their gametes is called capital T and capital D. If the gametes are pure dwarf plant, pure dwarf plants gamete small t. Heterozygous, if the gametes are different, it is called heterozygous. अब हम pure की बात नहीं करेंगे, अब हम hybrid की बात करेंगे। hybrid में tall की property होती है और dwarf की property होती है। तो hybrid tall plants में हम क्या बताएंगे? कैपिटल टी और स्मॉल टी दिखाएंगे। इसमें जो कैपिटल टी होगा वो डोमिनेंस होगा, स्मॉल टी होगा वो रिसेसिव होगा। इसलिए कैपिटल टी वाला अपने आप को शो करेगा, स्मॉल टी वाला बेटा शो नहीं करेगा। आगे देखिए, फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स ऐसे कैरेक्टर्स जो एफ1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। दो सॉरी, व्हाट इज फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स? ऐसे कैरेक्टर जिसमें हम किसी ऑर्गेनिज्म के केवल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं। दोस कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट ओनली द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म नोन एज फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स फिनोटाइप। व्हाट इज जीनोटाइप? इफ द स्टडी ऑफ कैरेक्टर्स एट जीन लेवल, एट जीन लेवल्स, अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी किया जाए और वह जीन लेवल तक पहुंच जाए वह स्टडी, तो कहलाता है जीनोटाइपिक कैरेक्टर्स। उसके बॉडी में किस जीन की वजह से क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उसके बॉडी में क्या जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, इनकी स्टडी करें, इट इज कॉल्ड द जीनोटाइपिक कैरेक्टर या जीन लेवल स्टडी। व्हाट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस? व्हाट इज दैट
mono hybrid cross if we consider the single character. If we consider the single character, single character of two different plant parts, किसी दो plants के किसी दो parts के single single traits को लिया जाए और आपस में cross करा जाए, that is a single mono hybrid cross. If we consider the double character of two different plant parts and cross in between them, that is called dihybrid cross. Dihybrid cross. यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल कैरेक्टर को लेकर के यहाँ पर में क्रॉस कराएंगे. एग्जांपल ले लीजिए, इसमें इस वाले में एग्जांपल होगा राउंड है वो सीड कह सकते हैं, इसका एग्जांपल अगर हम लोग को लेना होगा, एग्जांपल लेंगे हम लोग क्या जी, अगर हम या इसको कौन नाम देते हैं, ला ऑफ
प्योरिटी ऑफ लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैरेट्स, और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। तो मेंडल ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में तीन लॉज वाले बताया, सेवन लॉज में से जो तीन लॉज सेलेक्ट किए गए, फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, एंड थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वह उसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है फील कर देता है, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिया गया वह मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस को फेल कर देता है। तो रियल में केवल दो ही लॉ इसके बचते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। लेकिन यहाँ पे हम तीनों लॉ के बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट क्या है। मेंडल ने जब तीन लॉ दिए तो वैज्ञानिकों को इससे भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि जो मेंडल कह रहे हैं वास्तव में वो सही नहीं है, और उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है नहीं कहा गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं कहा गया। तो मेंडल के मरने के बाद तीन वैज्ञानिकों ने उनके एक्सपेरिमेंट पे दोबारा अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें कार्ल कोरेंस, शेरमार और ह्यूगो डी ब्रीज, ह्यूगो डी ब्रीज, कार्ल कोरेंस और शेरमार, इन तीन वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किया और पाया जो मेंडल कह रहे थे वही सही है। तब जाकर के मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि दी गई और उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना गया। आगे देखिए, इन्होंने जो फर्स्ट लॉ दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसका मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या मतलब है, इसका यही मतलब है व्हेन द क्रॉस अकर इन बिटवीन, व्हेन द क्रॉस अकर इन बिटवीन होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव, व्हेन द क्रॉस अकर इन बिटवीन होमोजाइगस डोमिनेंस एंड होमोजाइगस रिसेसिव, देन इन वन जनरेशन ओनली डोमिनेंस ट्रैट विल बी अपीयर नोन एज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। जैसे कहा गया, इसमें एग्जांपल ले लीजिए, प्योर रेड फ्लावर, दूसरा एग्जांपल है प्योर व्हाइट फ्लावर, दो तरह के फ्लावर हैं, जो प्योर रेड फ्लावर है इसको रिप्रेजेंट किया गया कैपिटल आर आर से, इसे रिप्रेजेंट किया स्मॉल आर स्मॉल आर, हमेशा कैपिटल वाला डोमिनेंस होता है और स्मॉल वाला रिसेसिव होता है, लेकिन जब दो रिसेसिव ट्रैट एक साथ अपीयर हो तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। सो प्योर रेड फ्लावर एंड प्योर व्हाइट फ्लावर, इनके हम गैमेट्स को ले लेंगे कैपिटल आर और स्मॉल आर, क्रॉस करा देंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, यह हो गया एफ वन जनरेशन के प्रोजनी है, एफ वन जनरेशन के प्रोजनी है, यह हो गया आपका हाइब्रिड रेड फ्लावर, हाइब्रिड रेड फ्लावर, इन दिस फ्लावर रेड कलर इज डोमिनेंट व्हाइट कलर इज रिसेसिव बट इज प्रेजेंट इन दिस एफ वन जनरेशन, व्हेन दिस प्रोजेनी अंडरगोस सेल क्रॉस इनटू एफ टू जनरेशन देन देयर हिडन ट्रैट्स विल अपीयर इन द सेकंड जनरेशन, बट इन द केस ऑफ डोमिनेंस ओनली वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट जनरेशन, अबाउट द फर्स्ट जनरेशन टिल द फर्स्ट जनरेशन when cross occurred between pure red flower and pure white flower, then in F1 generation only the hybrid red flower is appear, here the red flower is dominant and the white flower is the recessive character, so those character who have appear in F1 generation it is called the dominance character. So in this rule when cross occurred in between homozygous dominance and homozygous recessive, then in F1 generation only dominance trait appear, it is called law of dominance. Now second rule, second rules, law of in law of independent, sorry, law of segregation, law of
सेग्रीगेशन या इसको हम एक और नाम देते हैं ला प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ला प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के बारे में हम बात करते हैं। सेम वही क्रॉस व्हेन द सेकंड लाया जाता है व्हेन द क्रॉस अकर बिटवीन होमोजाइगस डोमिनेंस कैरेक्टर एंड होमो रिसेसिव कैरेक्टर देन न्यूक्लियर जनरेशन ओनली डोमिनेंस इज अपीयर एंड दिस डोमिनेंस ट्रैक और गैमेट्स आर न्यूक्लियर जनरेशन अंडरगोस सेल क्रॉस इनटू एफ2 जनरेशन देन द गैमेट्स बिकम सेग्रीगेट एंड प्योर देन द गैमेट्स बिकम सेग्रीगेट एंड प्योर इट इज नोन एज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। क्या मतलब किस लॉ में बताया गया है कि जब हम डोमिनेंस और रिसेसिव क्रॉस कराएंगे एफ1 जनरेशन जो प्रोजेनी आएगी उसका एफ2 में हम कराएंगे सेल्फ क्रॉस और सेल्फ क्रॉस कराने पे जो प्रोजेनी होगी वह अलग-अलग ट्रैक में क्या होगी अलग-अलग लेयर से एग्रीगेट होगी और प्योर हो जाएगी। कैसे कैसे होगी देखिए प्योर रेड फ्लावर का क्रॉस हो रहा है प्योर व्हाइट फ्लावर से प्योर रेड प्योर व्हाइट प्योर रेड प्योर व्हाइट क्रॉस कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल मिला क्या हो गया एफ वन जनरेशन। अब एफ वन जनरेशन जो प्रोजेनी है द प्रोजेनी ऑफ एफ वन जनरेशन द प्रोजेनी ऑफ एफ वन जनरेशन अंडरगोज सेल्फ क्रॉस इनटू एफ टू जनरेशन एफ वन जनरेशन की आए हुए प्रोजेनी एफ टू जनरेशन में सेल्फ क्रॉस करती है तो क्या मिलता है आपको इसमें यही मिलता है कि कैपिटल आर स्मॉल आर का जो क्रॉस होगा वह आपस में हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए इसे हम मेल मान लेते हैं और इसे हम कह देते हैं फीमेल दोनों का आपस में क्रॉस कराइए यह दोनों क्रॉस करेंगे कैपिटल आर कैपिटल आर यह क्रॉस होगा कैपिटल आर स्मॉल आर यह कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर यह हमें क्या मिले प्रोजेनी मिले। अब देखिए इसमें देखिए कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर स्मॉल आर अगर हम इसके फिनोटाइप ट्रैट का स्टडी करते हैं अगर हम स्टडी ऑफ फिनोटाइप ट्रैट के बारे में स्टडी करते हैं तो फिनोटाइप क्या ट्रैट मिलेगा यह बाहर से देखने पे रेड दिखाई दे रहा है और यह भी रेड है यह भी रेड है तीनों बाहर से रेड दिखाई दे रहे हैं तो अगर तीनों को 1:1:1:1 रेशियो मान लिया जाए तो तीनों को हम जोड़ देंगे यहाँ हो जाएगा 3:1 क्योंकि एक ही व्हाइट दिखाई दे रहा है बाकी तीनों रेड दिखाई दे रहे हैं क्योंकि फिनोटाइपिक में हम कोई बाहरी गुणों का ही अध्ययन करते हैं। दूसरा अगर हम जीनोटाइप के बारे में स्टडी करें कि व्हाट इज द जीनोटाइपिक कैरेक्टर देखने को मिल रहा है यह प्योर रेड है 1 यह दोनों हाइब्रिड रेड है 2 और यह प्योर व्हाइट है 1 तो जो जीनोटाइप रेशियो है वह 1:1 हो गया। अब देखा कि गैमेट्स क्या हो गया सेग्रीगेट हो गया और प्योर हो गया इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल एंड सेकंड लॉ ऑफ मेंडल इज अंडरस्टूड बाय द ओनली मोनो हाइब्रिड क्रॉस बट थर्ड लॉ ऑफ मेंडल वी कैन अंडरस्टूड बाय द डाई हाइब्रिड क्रॉस। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देन द फिनोटाइप रेशियो इज 3:1 एंड जीनोटाइप रेशियो इज 1:1। कोई पूछता है कि मेंडल के सेकंड लॉ का फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो होता क्या है तो बताइएगा कि फिनोटाइपिक रेशियो